प्लीज तुम प्लीज अभी ये समझो, हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर ऋषि ने सब कुछ बता दिया तो सारा गेम खत्म हो जाएगा, सारा प्लान खत्म हो जाएगा, विल बी फिनिश्ड। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं, हमें जो करना है अभी के अभी करना है। तो तुम मारोगी ऋषि को, करोगी ना उसका खून? मैं कैसे, मुझे डर लग रहा है। अरे डर तो लगेगा ना, तुम कोई प्रोफेशनल किलर थोड़ी ना हो जो डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमें कोई मारने आएगा तो हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा ना, खुद की जान तो बचानी पड़ेगी ना। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में तुम उसको मार रही हो? हाँ, हाँ, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना सलोनी, अगर ऋषि बच गया तो मैं नहीं बचूंगा। तो मेरी बात को मानो, हमारा प्लान खराब नहीं हो सकता। तुम्हें हमारे लिए करना होगा, हमारे प्यार, हमारे साथ और हमारी खुशी के लिए तुम्हें करना ही होगा। ऋषि को मारना ही होगा। तुम मारोगी उसे और ये बहुत आसान है। ये क्या है? वो हथियार जिससे ऋषि मरेगा। ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये कैसा सवाल है सलोनी, तुम जानती हो ना मैं कौन और क्या कर सकता हूँ। हाँ, बस मैं तो विकार के सवालों का वक्त नहीं हमारे पास, तुम्हें बस ये इंजेक्शन ऋषि को लगाना और ऋषि खत्म। विक्रांत, मैं कोई डॉक्टर या नर्स तो हूँ नहीं, मुझे इंजेक्ट करना नहीं आता, मुझे ये सब। सलोनी कैसी बातें कर रही हो यार तुम, ये इंजेक्शन हमें ऋषि को जिंदा रखने के लिए लगाना, उसे मारने के लिए लगाना है। बस ये इंजेक्शन लेना, तुम्हें जाके उसको खोप देना है। इंजेक्शन तुम यहां से इसे दबाओगी और उसकी बॉडी में घुसाओगी, तुम्हारा काम खत्म और वहां पर ऋषि का काम खत्म। बानी आयुष, अब चलते हैं, देखते हैं कि जीजू को होश आया है कि नहीं। हाँ, है ना, दीबी अकेली होगी ना अंदर, और एक बार अगर जीजू को होश आ गया तो उनसे भी पूछ लेंगे ना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो शालू का शक भी दूर हो जाएगा, उसे तसल्ली हो जाएगी। या तो शालू का शक दूर होगा या शालू सही साबित होगी, और अगर शालू सही साबित हो गई तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये है कौन, ये कौन है जो ऋषि भाई के पीछे पड़ा हुआ है, कौन है जो मेरे भाई की जान लेना चाहता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं देख रही थी कि ऋषि को होश आया है कि नहीं। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।